लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुन्ना 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 नरेन बाबू, सवेरे सवेरे कैसे रास्ता भूल गए? आप यहाँ परेशान हो रहे हैं नरेन बाबू, पर इसे होश नहीं कि ड्यूटी पर जाना है। अरे मुन्ना, आप ही ने इसे बहुत छूट दे रखी है। वो कहते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। किवाड़ खोल दे भाई। नरेन बाबू, इसका दरवाजा टूट जाएगा, इसकी नींद नहीं टूटेगी। अरे मनोहर लाल, मैं कहती हूँ प्यार करो उसे जो प्यार के काबिल हो, समझे नरेन बाबू? चलिए नरेन भैया, अरे चलिए, कहाँ खो गए? नरेन भैया कहाँ खो गए, चलिए ना। कहाँ चले? उसी बस वाली लड़की को ढूंढने। और कहाँ? वो तो मिल गई। मिल गई? हाँ। कहाँ से मिल गई? वहाँ ऊपर। कहाँ? ये है वो खातून जिसे आपने देखा और देखते रह गए। अरे ये चाची है भाई। बाबा चाय। आजा आजा। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, तू जा। भाई साहब, लज्जो को बताया आपने? नहीं गोविंद, बचपन से बहुत दुख देखे बेचारी ने, और फिर इस काम में इतना खतरा, बेकार परेशान हो जाएगी। अच्छा किया आपने भाई साहब, मैंने भी सुशीला को यही बताया कि आप टीवी का इलाज कराने यहाँ आए हैं। सुनते ही घबरा गई, बोली बाहर वाले कमरे में ठहरा दो, वरना मैं तो नहीं। ठीक है ये कमरा, मैं बस खांसता रहूँगा, कोई इधर नहीं आएगा, अपना काम आराम से हो जाएगा। राजेश्वरी, ओ राजेश्वरी। भाई साहब, सुशीला माँ के जाने की बात कर रही है। क्यों? बात दरअसल ये है कि 12 साल के बाद भगवान ने उसकी सुन ली, वो माँ बनने वाली है। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने, मुबारक हो। भाई साहब, ये किताबें रज्जू की हैं, पढ़ने का बहुत शौक है उसे, कविता भी लिखती है। अच्छा, हमारे यहाँ टाउन हॉल की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। अरे अच्छा, तब तो उसका मन लगा रहेगा। ऐसा करते हैं, जब मैं आबिद अली बेग से मिलने जाऊंगा, उसे लाइब्रेरी में छोड़ दूंगा। अरे आई नाई, नींद खो गई तेरी। अरे अकेले अकेले क्या खा रही है, मुझे भी दे दे। अरे ये ले प्रसाद, खा ले ले। वो नरेन बाबू आए, उनके लिए भी दे दे। ले, उन्हें भी दे दे। कौन है? घबराइए मत भाई साहब, ये अपने दीवान जी है ना, उनका ड्राइवर है मनोहर लाल। इसको एक ही शौक है लगातार बोलने का। ऐसा करता हूँ, इसके कान में आपकी बीमारी की बात डाल देता हूँ। आज शाम तक सारा कसौनी जान जाएगा कि आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने यहाँ आए हैं। बाबा, दवाई। अरे समझ गए मनोहर मेरे लाल, तो बेटी क्या सोचेगी? बाप की छोड़, बेटी की बोल, बेटी की। पढ़ लेकर अपने पैरों में खड़ी होना चाहेगी कि नहीं? हाँ। पढ़ने लिखने लाइब्रेरी गई है। हाँ, हाँ। लाइब्रेरी मैं चला। सुनिए कहाँ जा रहे हैं, जिंदगी में पहली बार आपके लिए झूठ बोला है। कैबी 8 बजे खुलती है, वैसे 9 बजे खुलती है। वहाँ का जो चौकीदार है, मैं चला। वहाँ का जो चौकीदार है, मेरा फूफा है, पावर जलेबी दे देंगे, बस उसको 1 घंटे पहले खोल देगा वो। उसके बाद आप होंगे, वो होंगी, बस उस पहली मुलाकात में एक बढ़िया सा शेर एकादा पढ़ दीजिए, जैसे मेरे मौसा जी ने किया था कि मौसी जी छत पर खड़ी अपनी लटे सुखा रही थी, और बस मेरे मौसा जी ने बढ़िया सा सुनिए भरी गुलाब की, अरे खोले से क्या होता है, और तेरा मेरा सुन लीजिए, तेरा मेरा मेल हो गया, अरे बोले से क्या होता है, पूरा बोल दीजिएगा।
आइए आइए, प्लीज कम इनसाइड। आपको देखते ही मैं जान गया था कि ज्ञान की खोज में आप यहाँ आएंगी जरूर। ज्ञान का भंडार है ये वाचनालय। ओ किताबें, ये किताबें साइंस की हैं जो बताती है कि आसमान नीला क्यों है, और ये साहित्य की जो ये बताती है कि लैला ने मजनू से प्यार क्यों किया, और ये किताबें हिसाब की जो ये बात स्पष्ट करती कि कल से हमारी तीसरी मुलाकात है, कल सुबह बस में, आज सुबह झूले पर, और अब यहाँ। अब जब हिसाब की बात कर ही रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, और आपका नाम क्या है? जी राजेश्वरी, राजेश्वरी पाठक। राजेश्वरी अच्छा, आप यहाँ लाइब्रेरियन हैं? मैं आपको लाइब्रेरियन लगता हूँ? चलिए इसी बहाने आपने पूछ तो लिया कि हम कौन हैं, और अब ये भी पूछ लीजिए कि हम कहाँ से आए और हमारा नाम क्या है। राजेश्वरी जी पूछिए ना। अरे छोड़िए मुझे। अरे पूछ लीजिए, वैसे भी आपकी एक चीज है हमारे पास जो तभी मिलेगी जब आप हमारा नाम पूछेंगी। छोड़िए मुझे। पहले नाम पूछिए। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। अरे इतनी सी बात पर उठ गई आप, पूछ लीजिए। किस्मत का खेल तो देखो, मिलने को तरस गए और मिल भी रहे हैं तो चोरों की तरह अपने ही घर में। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आओ। जनरल डगलस की सिक्योरिटी बहुत टाइट, लेकिन एक बात पक्की है, उसके वेलकम में हम जो ड्रामा करने जा रहे हैं वो उसे देखने जरूर आएगा। बालकनी में बैठेगा, हम फेंकना जरा मुश्किल काम है। शुभांकर आ रहा है ना? हाँ। आओ। ये रहा बम बनाने का सामान, और ये हॉल का नक्शा। रज्जू आइए तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया उसे अभी। अच्छा किया, कल उसे रिहर्सल में भेज देना, जो खबर उसी के हाथ भेजना। ठीक है। अब हम लोग नहीं मिलेंगे। तो ये आखिरी मुलाकात है? खुदा ना करे। हाँ एक मिनट। आजा आजा। ये दरवाजा क्यों बंद किया? बहुत ठंड लग रही थी। ला रखते हैं रखते। वाह वाह। चलिए खाना खाइए। अरे बहुत खुश लग रही है। बड़ी अच्छी जगह है बाबा, जी चाहता है यहीं रह जाए। तो रह जा, सुना है बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है यहाँ। ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी किताबें, ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे। अच्छा, आप बेग चाचा से मिलने गए थे ना, कैसे हैं वो? अच्छे हैं, उलझे हुए हैं नाटक में, तुझे बुलाया मदद के लिए। मुझे? हाँ, कल सुबह रिहर्सल हॉल में 10 बजे, और उनसे कहना कि वो मुझे सफेद दवा देना तो भूल ही गए। चलिए, यहाँ के आपको अपने बारे में सोचने की फुर्सत तो मिली।
यहाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे बाबा, मेरा दिल कहता है। चाची इतना क्यों चिल्लाती है बाबा? पर दिल की बहुत अच्छी है, चल जा जल्दी जा। एक जवान उस बालकनी पर, तुम इस बालकनी पर, तुम उस गेट पर और तुम इस गेट पर। दिगांतु। यस सर। 10 जवान नीचे के हॉल में, 4 जवान ऊपर और तुम पूरे प्लेटून के साथ नीचे गेट पर रहो। सर। वाह मेजर साहब। बेग साहब, आप हम पर भी शक करने लगे। अरे मरना है हमें, आप पर शक करके कसौनी में रहना है कि नहीं? तो फिर कैसे आना हुआ? बस सिक्योरिटी के लिए। जब से जनरल डगलस के आने की खबर मिली है, देशद्रोहियों की चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अरे मेजर साहब, इस छोटे से शहर में जहाँ हर एक आदमी दूसरे को जानता है, वो आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत का अंदाजा नहीं है आपको। वैसे एक क्रांतिकारी यहीं मौजूद है। जी कौन? वो देखिए। संध्या चंदा बेटी। अरे वो तो बहुत ही प्यारी, होनहार और नेक बच्ची है और एक्टिंग भी खूब करती है। कौन कहेगा कि वो आपकी बेटी है? आप मास्टर लोग किसी को नहीं छोड़ते, अपने दोस्तों को भी नहीं। कौन सा शेर सुनाया करते थे आप? ए दोस्त तू मेरा दुश्मन कुछ था। अरे मेजर साहब, हुए तुम दोस्त जिसके, उसका दुश्मन आसमां क्यों हो? पापा पापा पापा, आप जाइए ना, रिहर्सल को देरी हो रही है और नरेन ने भी किसी जरूरी काम से जाना है, आप प्लीज जाइए। जाता हूँ भाई, जाता हूँ। देखा बेग साहब, यहाँ भी हुकुम चलाती है। खुदा हाफिज़। अरे शंकर, तू समझता कि नहीं मनोलाल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो लाइब्रेरी में आ गई होगी, तू संभाल लेना। मैं क्या संभालूंगा रूमी, आपको बनना कि मुझे? कहाँ जा रहे हो नरेन? चंदा मेरा जाना बहुत जरूरी है, रिहर्सल भी तो जरूरी है। सुबह से लाइनें आप भूल रहे हैं, मैं नहीं। अरे किताबें खो जाने का, मैं आजकल तो अपना नाम भी भूल रहे हैं। किताब? कौन सी किताब? वो लाइब्रेरी वाली। तू बकता रे, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, मुझे खो गई इनको मिलने। अरे नरेन रुको, आप कहाँ जा रही? पीछे पीछे। मैं नहीं रुक सकता चंदा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी किताब है जो अभी चाहिए? आप नहीं समझेंगी। जनरल डगलस कब आ रहे हैं? जनरल डगलस? हाँ हाँ, जनरल डगलस कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते। क्यों? वो आ रहे और हम जा रहे हैं, ड्रामा तो उनके लिए कर रहे ना। तुम ठीक कह रही थी चंदा, मुझे अपनी लाइनें याद कर लेनी चाहिए, पता नहीं मैं अपनी लाइनें भूल जाता हूँ। कबल कबल लेट्स गो। वही तो मैं कह रही थी। जनरल साहब इसी बालकनी में बैठेंगे, ये सब फूल जो है। अरे रज्जो बेटी, कैसी है तू? जी अच्छी हूँ। अच्छी तो है ही, अब हमारे ड्रामे में हमारी मदद करेगी तो हम तुझे और भी अच्छी कहेंगे। जी जरूर। बेग चाचा, बाबा ने कहा था कि आप। बेग साहब, इधर भी कुछ फूल लगाने। हाँ हाँ, सब जगह लगा दो। क्या कहा था बाबा ने? जी बाबा ने कहा था कि आप उनकी सफेद दवा देना भूल गए। अरे हाँ मैं भूल गया था, उनसे कहना कि आज ही भिजवा दूंगा। जी अच्छा। अरे ये ले फाइल, ये एक्टर लोग अक्सर डायलॉग भूल जाते हैं, उन्हें प्रॉम्प्ट करते रहना। जी। शंकर। जी बेग साहब। जा बेटी तू जा। जी। देखो फास्फोरस दवा की शीशी में डालकर पाठक बाबू को पहुंचा दो, उनको बोलना के शुभान करके आते ही वो। तुम ही से चमकता है ये चांद, बोलो शपथ लूं चांद की? नहीं नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है, मत लो शपथ। मुझको है विश्वास तुम्हारा, मेरा तन मन जीवन। आगे लाइनें क्या है? लाइनें किंतु तुम्हारा नाम प्रिय। नाम से पहचान कहाँ होती है? नाम तो बस नाम है, किसी का गुण नहीं। यदि गुलाब को कांटा कहते तो भी वो खुशबू देता, यदि पानी को अग्नि कहते तो भी वो शीतल ही रहता। नाम बदल दो मेरा, पर मैं ही रहूंगा, सदा करूंगा प्यार तुम्हें। आगे की लाइन क्या है? क्योंकि तुम हो। हाँ, क्योंकि तुम हो।